कराची के हल्के NA 249 बल्दिया टाउन के जमनी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी। मुल्क की सियासी जमातों के उम्मीदवार बल्दिया टाउन की सूरत हाल को बेहतर करने की यकीन दहानी कराने पहुंच रहे हैं। पूरे हल्के को सियासी जमातों के परचम से सजा दिया गया है, जबकि उम्मीदवारों की तस्वीरें भी मुख्तलिफ चौकों पर आवेजा हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 249 बल्दिया टाउन जमनी इलेक्शन के सिलसिले में 53 में से 23 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए हैं। हाल ही में ANP के औरंगजेब खान और JUI के उमर सादिक मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार हो गए। हल्के में मुस्तफ़ा कमाल, मिफ्ता इस्माइल, अमजद इकबाल आफरीदी, कादिर खान मंदुखेल और हाफिज मुरसलिन के दरमियान जबरदस्त मुकाबले की तवक्को है। इन दिनों नामजद उम्मीदवार हल्के में अवामी राबता मुहिम में मसरूफ हैं। याद रहे कि NA 249 पर 2018 में शहबाज शरीफ और फैसल वाडा मदे मुकाबिल थे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी। सिंध से PTI के MNA फैसल वाडा और पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली के रुकन जाम मेहताब के सेनेटर मुंतखब होने से इनके कौमी और सिंध असम्बली के दो नशस्तों पर जमनी इंतखाब 29 अप्रैल 2021 को होंगे। फिर यहाँ कोई काम करने वाला कोई नज़र नहीं आता, सब अपना अपना वोट लेके चले आते हैं। किसी का जो मसले मसाइल हैं वो तो सुनने वाला कोई नहीं होता। किसी तरह कभी कभी लोग भी हैं, अच्छा हाँ, कोई पार्टी के लोग टेन की तो पूरी तरह फेल हो गई। अच्छा, तो कोई काम वाम करी कोई उम्मीद नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कोई इतना 10 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या क्या मसाइल हैं? MGM का मेजॉरिटी इलाका ही, अभी ये सोचना चाहिए लोगों, जब 3 साल तो हुकूमत में रहे, अभी कुछ नहीं किया, 5 साल मेयर रहे, जब वो कुछ नहीं कर सके तो क्या क्या रोना रोते रहे। फैसल वाउडा वो भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे महज वादे थे उनके, तो अब ये क्या कर पाएंगे कि यार, मतलब मसाइल यही है कि 45 दिन में पानी आता है, एक माह बाद 45 दिन में तकरीबन पानी आ रहा है यहाँ पर। और हुकूमत, मतलब फैसल वाडा साहब ये कह रहे थे कि यार 40 करोड़ रुपए की लागत से बल्दिया के लिए जो एक पाइपलाइन लाई गई है, पाइपलाइन से पहले तो चलो महीने में पानी आ रहा था, अब देखो आपके पाइपलाइन आने के बाद, सही है, 40 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद 1.5 महीने में पानी आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब क्या करेंगे ये लोग। इंतखाबी हलके NA 249 में जमनी इंतखाबात के दिनों में बल्दिया टाउन की टूटी फूटी सड़कों पर सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवार महंगी गाड़ियों में आवाम को मुतासर करने में लगे हुए हैं। हर कोई आवाम के मसल को हल करने की यकीन दहानी करा रहा है, लेकिन वहाँ आवाम की अक्सरियत का ये कहना है कि हमें अब नहीं लगता कि कोई सियासी जमात का नुमाइंदा यहाँ काम कर पाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद फैसल वाडा ने कोई मसाइल हल नहीं किए। हल्के में पानी का मसला संगीन है, लेकिन ताहल कोई काम नहीं किया गया। वोट अमानत है, किसको दें ये फैसला अभी नहीं किया। काम होंगे ये तो अल्लाह जानता के हो या ना हो, काम होंगे बाद में जब इनके पास जाओ। अभी तो मीटिंग चल रही है, अभी तो सब मशरूम है, अभी तो ये है, जब अल्लाह की पकड़े में आएंगे ना, जब अल्लाह इनकी गर्दन पकड़ेगा तब पता चलेगा इनको ये क्या है क्या नहीं होगा। सबसे ज्यादा कम होगा वोट डालने के लिए, बहुत कम लोग निकलेंगे, और जो डालेगा वो वोट डालेगा, वरना कोई नहीं डालेगा। सबसे बड़ी परेशानी है कि रमज़ान से इलेक्शन ईद के बाद होने चाहिए, गरीब तबका ना इतना पानी यहाँ पर है, ना बिजली के मसले मसाइल, 2.5 घंटे किसी को कोई फिक्र नहीं है। 3 साल हो गए फखरी भाई MP यहाँ से जीते हैं PLP के, वो आज तक चेहरा नहीं दिखाया। मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। इस बार जो इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सबसे मेरी अपील है कि कोई भी आए हर बार की तरह गायब ना हो जाए, प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ काम करें। बल्दिया की आवाम बहुत ही परेशान है, पानी के हवाले से, लाइट के हवाले से, और काफ़ी मसले मसाइल हैं, तो मेहरबानी करके इन आवाम का मसला अपना मसला समझें। हल्के में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, टूटी फूटी सड़कें, सेवरेज का बदहाल निज़ाम, बिजली की लोड शेडिंग जैसे मसाइल का सामना है। गुज़िश्ता कई साल से हल्के में तरक्याती कामों का होना आटे में नमक के बराबर है, जबकि वहाँ की आवाम पानी की बूंद बूंद को ताहल तरस रही है। पानी, गैस, बिजली किसी चीज़ का पता नहीं है, लावारिसों की तरह इलाका है, रोड आपके सामने, आज इलेक्शन है तो सब आ रहे हैं यहाँ पे चक्कर लगाने, वरना तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पे पूछने के लिए। इससे पीछे तेरी इंसाफ की सीट थी फैसल वाडा साहब, वो तो कभी आए ही नहीं है बल्दिया टाउन में चक्कर लगाने के लिए, और अब ये सब क्या बोलते हैं PTI वाले चक्कर लगा रहे हैं, हर बंदा खड़ा हुआ है कि हमारी तरफ से आना है। ये मुस्तफा कमाल साहब को हमारा दिल है वोट देने का, क्योंकि उन्होंने पहले भी कराची में बहुत काम करा है और अब भी काफ़ी काम करने की उम्मीद है।
अगर फायदा क्या है इस इंतखाब का, ना यहाँ पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना सड़क बन रही है। अभी लोड शेडिंग के मारे हम लोग गर्मियों में बाहर खड़े हुए, क्या करें। ये हुकूमत में महंगाई इतनी है कि आदमी, आम आदमी तो मर जाएगा, इतनी महंगाई है। ऊपर से सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, रमजान है, ऊपर आ रहा है रमजान में। तुम लोग सारी दुनिया में किसी का भी मजहब का त्यौहार होता है तो कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में डबल हो जाती हैं। हम मुसलमान सिर्फ नाम के हैं और तुम ये क्या सियासतदान, अपने आप को बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं। मुझे ये बताओ ना, 70 साल से पाकिस्तान को क्या, हमारे से आगे तो अफगानिस्तान हमारे से आगे हो गया। हल्के के कुछ इलाकों में 45 दिन के बाद सिर्फ एक रोज पानी आता है जो पूरा नहीं होता। इलाका बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। इन इलाकों में सियासी जमातें दावे कर रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़कें और सेवरेज के निजाम को बेहतर कर देंगे, लेकिन यहां की आवाम की अक्सरियत मुतमईन नहीं है। साथी रिपोर्टर एस ए मुमताज के साथ गुफरान खान, सच्चल न्यूज़, कराची।